हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है सैटरडे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं मॉर्निंग यार 9 बजे लॉगिन आया था और अभी टाइम हो रहा है 9:16। तो मुझे मेरी पहली राइड मिल चुकी है रैपिडो पे और लगभग 1 किलोमीटर का पिकअप है यार, और हमें जाना है मोती नगर। तो चलिए चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं। यार आज सैटरडे है, देखते हैं, थोड़ा ना काम डाउन ही रहता है आज के टाइम पे, बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा आज। तो चलिए कस्टमर को पिक करते हैं दोस्तों। हम वहाँ पुलिस वाले खड़े थे ना, ये लो भाई हेलमेट, आराम से भाई ओटीपी बता दो फटाफट। हाँ आराम से पहन लो, कोई 0967। हाँ यहीं पे, यहीं पर रख लो आप। हाँ भैया छोटा सा है अपना चैनल, चलो आराम से। पेमेंट वी आर 49। थैंक यू भैया। तो दोस्तों रैपिडो की हमने पहली राइड कंप्लीट की, हम आ चुके हैं रजौरी गार्डन, देखते हैं यार अब नेक्स्ट राइड क्या मिलती है हमें। तो चलिए वेट करते हैं अपनी नेक्स्ट राइड का। तो दोस्तों ये है कीर्ति नगर में, बर्फ से बनाया बाबा का शिवलिंग, शिव जी का, देखिए दोस्तों। चलिए चलते हैं, हम राइड का वेट करते हैं। जय भोले बाबा। तो दोस्तों रैपिडो पे हमें राइड मिल चुकी है, हमारी नेक्स्ट राइड रैपिडो पे ही है और लगभग 2 किलोमीटर का पिकअप है यार, और हमें जाना है पीतमपुरा। मैं चलिए कोई नहीं, थोड़ा दूर है पिकअप, तो इसमें आपने देखा होगा एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल रही है रैपिडो से थोड़ी सी, 4 रुपये। चलिए कोई नहीं, तो चलिए चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं और चलते हैं पीतमपुरा। मैं कोई बड़ी राइड मिल जाए क्या आप, मुझे ये तो नहीं आइडिया कि कितने किलोमीटर होगा यहाँ से, बट ठीक है जो भी है यार, काम तो करना ही है ना। अच्छा रास्ता बना लीजिए, आप हेलमेट लीजिए, ओटीपी बता दीजिए एक बार। 9272 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ये हाँ इसको खींचेंगे ना, वो इसको और वहाँ पे 1 सेकेंड।
कोई कूपन लगाया था भी आपने? हाँ वो लगे हुए हैं। हाँ कूपन लगा हुआ है ना? नहीं नहीं मतलब आधे पैसे ऑलरेडी ऑनलाइन चले गए हैं और आधे ही हैं। अच्छा ये है। लीजिए भैया 36। वही मैं कहूँ यहाँ से यहाँ की राइड है 36 तो आ ही नहीं सकता। नहीं नहीं वो आधे ऑनलाइन थे ना ऑलरेडी। हाँ क्या था? 60 के अबव था। अच्छा हाँ होगा जो इसी के आसपास ही होगा। कितना? 36 आया। रेटिंग कर देना भैया प्लीज़। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों हमारी रैपिड हो गई, सेकंड राइड भी कंप्लीट हुई। टोटल यार हमारी टोटल अर्निंग हो चुकी है 117 रुपये। और अभी टाइम हो रहा है 10:08। 9:16 में मुझे मिली थी यार फर्स्ट राइड। और चलिए वेट करते हैं अपनी नेक्स्ट राइड का। दोस्तों रैपिडो पे हमें हमारी आज की थर्ड राइड भी मिल चुकी है और लगभग 1.5 किलोमीटर का पिकअप है यार, और हमें जाना है शास्त्री नगर। तो चलिए कस्टमर को पिक करते हैं, राइड को पूरा करते हैं। ठीक है यार राइड मिलती रहना तो बंदे का मज़ा भी लगा रहता है, वरना खाली बैठ तो बंदा बोर हो जाता है और नींद आ जाती है, सही बता रहा हूँ कई बार। तो चलिए कस्टमर को पिक करते हैं। तो दोस्तों कस्टमर ने एड्रेस में लिखा AP ब्लॉक और लोकेशन डाली है RU ब्लॉक की। यार सही में मतलब अब यहाँ से मैं 1.5 किलोमीटर जाऊँगा दूर AP ब्लॉक तक। क्या मतलब यार कस्टमर क्या सोचते हैं, हद है यार। चलिए वेट करते हैं कस्टमर को, मैं कैंसिल करूँगा यार मेरी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। वेट करते हैं, आई होप क्या पता कस्टमर खुद ही कैंसिल कर दे, बस मैं तो जाने वाला नहीं हूँ यार। One eternity later. तो दोस्तों यार रैपिडो की लास्ट राइड ना मुझे कैंसिल करनी पड़ी, मैं लगभग 15 मिनट वेस्ट हुए मेरे यहाँ पे। एक कस्टमर बिना मतलब कहाँ की लोकेशन डालते हैं, कहाँ की का एड्रेस डालते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। अब हम कहाँ से आएंगे यार, हमें कौन सा पता, हम तो खुद गूगल की लोकेशन से चलते हैं यार। बट अब कस्टमर बिना अलग अलग ही मिलते हैं यार सारे, और कैंसिल भी नहीं कर रहे यार उसके बाद। मुझे ही एट लास्ट कैंसिल करनी पड़ी राइड को, बिकॉज कस्टमर कैंसिल नहीं कर रहे। टाइम वेस्ट कितना हो रहा है यार, 15 मिनट वेस्ट हो गए इस चक्कर में। चलिए दोस्तों चलते हैं, वेट करते हैं अपनी नेक्स्ट राइड का। हाँ मैम स्ट्रैप बंद कर लेना, बिकॉज इसी के लिए स्पेशल चालान कट रहे हैं आजकल। है यस मैम। चलो मैम तो दोस्तों ऊबर की लास्ट राइड भी कंप्लीट हुई यार, और जो आज की हमारी इनकम हुई है थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग गया यार। जो आज की हमारी इनकम है उसमें मैंने रैपिडो में काम किया है लगभग 117 रुपये का, और ऊबर में काम किया है 85 रुपये के आसपास। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए 200 रुपये के आसपास मैंने वर्क कर लिया है। पर यार टाइम लग गया यार, 9 बजे के आसपास मैं लॉग इन आया था और 11:30 हो रहे हैं। बीच में यार वो कस्टमर ने भी रैपिडो की लास्ट राइड थी जो उस पर परेशान किया। चलिए कोई नहीं, तो चलते हैं अब मैं घर की ओर निकल रहा हूँ अपने, बिकॉज यार मुझे काम से जाना है थोड़ा। तो ये लगा लीजिए आप मोटा मोटा 2 घंटे की कमाई है मेरी। ठीक है यार ये ऊबर ने घर के पास लाके छोड़ दिया, तो यहाँ से है 5-6 किलोमीटर मेरा घर है अभी। और अगर आप गाड़ी कहेंगे तो मोटा मोटा मेरी गाड़ी 30-32 किलोमीटर के आसपास चली है। ठीक है यार और क्या ले अब। और मेरी स्कूटी की बैटरी भी आप कहेंगे 64% है मेरी स्कूटी की बैटरी अभी, मैं चाहूँ तो काम कर सकता हूँ, मतलब यार 64% है अभी। तो नाना करते हुए हम 250-300 का काम कर सकते हैं स्कूटी से, बस स्कूटी में कैपेसिटी है यार पूरी। बाकी लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा मैंने कैसे पानी में भी चलाई है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली एथर में यार। एथर में मुझे नहीं लगता कि कोई और कमी आएगी। हाँ अभी मैंने सर्विस सेंटर जाना है, बिकॉज अब सर्विस का टाइम आ गया यार। मैंने 4600 किलोमीटर्स के आसपास चला लिया गाड़ी, तो सर्विस सेंटर वाले ने बोला था कि 4500 से 5500 के बीच में कभी भी आ जाना। और अपना थोड़ी बेल्ट नॉइज़ भी आ रही है गाड़ी में,
तो मैंने कहा एक बार जाके दिखा दूंगा यार, ज़्यादा बेटर है और सर्विस भी हो जाएगी इसी बहाने और काम भी हो जाएगा अपना। थोड़ा जो छोटी मोटी कमियाँ जो नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं ना यार, वो टाइट वगैरह हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि यार अपना भी काम चलता रहे। आप भी सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो के लिए और मैं आपको और बढ़िया बढ़िया वीडियो दे सकूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।